जो टिप्पणी मैं देने वाला हूँ रामानुज दासा श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय एक अर्जुन विषाद योग श्लोक 24। एवा मुक्तो हृषीकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोः उभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् वोम। श्री कृष्ण को ऋषिकेश के रूप में जाना जाता है क्योंकि उनके नियंत्रण या कब्जे में सभी जीव की इंद्रियां हैं। अर्जुन को गुड़ाकेश के नाम से जाना जाता है जिसने अपनी नींद को नियंत्रण में लिया है। गुड़ाकेश या अर्जुन की सभी बातें सुनकर श्री कृष्ण ने रथ को कौरवों और पांडवों के बीच में खड़ा कर दिया। इस श्लोक के माध्यम से हमें जो संदेश और पाठ समझना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए वह यह है कि हम जो भी कर्म करते हैं हमें उसे संसार के कल्याण की इच्छा से करना चाहिए, तब भगवान वैसा ही करेंगे जैसा हमने सोचा था और जैसा हमने मांगा था, और उनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूं जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की सब प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, कृष्ण मैं वही करूंगा जो आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की। आइए हम परमात्मा को अपनी प्रतिज्ञा दें कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। परमात्मा को यह शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं ये 8 व्रत कहूंगा जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। आइए अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्न भरी मोह की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये हैं हमारे 8 वादे। हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देश अनुसार हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में ही सोचूंगा। हे श्रीमन नारायण, आपके सलाह अनुसार हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हे श्रीमन नारायण, मैं अपने सभी कार्यों को आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए ही करूंगा। हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने कहा था अनुसरण करें। मुझे बहुत विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ पर हाथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कारम करूंगा और आपकी पूजा ही करूंगा। हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माम एकम शरणम व्रज 1866 याद है, जहां आपने मुझे खुद को आपके सामने अर्पित करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं हमेशा आपकी शरण में जाता हूं। हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मा शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूंगा। हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवद गीता वितरित करके हम सभी को अनुग्रहित और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वचन देता हूं। हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुंचाई। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक
पहुंचाऊंगा या पहुंचाने का प्रयास करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हे श्रीमन्नारायण, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे, मैं वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसे आप चाहते हैं, और मैं केवल आपके लिए ही काम करूंगा। प्रत्येक दिन श्रीमन नारायण को अपना वचन देना ही, हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तव। श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार ही कार्य करूंगा। एवा मुक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोः उभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् ओम। एवा मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् ओम। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। सभी भक्तों से एक विशेष निवेदन। हमारे जीवन में सभी चीजों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन एक मिनट व्यतीत करें और नारायणास्त्रम पढ़ें। नारायणास्त्रम प्राप्त करने के लिए नारायणास्त्रम वेबसाइट पर जाएं, जो www.narayanastram.org है, और पंजीकरण में अपना नाम और ईमेल प्रदान करें। आपके द्वारा प्रदान किए गए ईमेल पर आपको एक नारायणास्त्रम पीडीएफ प्राप्त होगा। पीडीएफ में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नामम है। इन तीनों को मिलाकर नारायणास्त्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को इन श्लोकों का भिन्न संयोजन प्राप्त होता है। जब हर कोई 24,000 भक्तों के साथ प्रतिदिन अपने नारायणास्त्रम को पढ़ता या सुनता है, संपूर्ण रामायण का एक दौर श्रीमद् भगवद गीता पारायण के 33 दौर, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पारायण के 24 दौर प्रतिदिन पूरा होता है। यह एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर एक दिन ऐसा करने से निकलता है। इसलिए आप और आपके परिवार के सदस्य तुरंत जाकर अपना नारायणास्त्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।